Good morning, dear students. Today we are going to study the process of oogenesis. It is the process of formation of ovum inside the female ovary. We are studying here in terms of that ovary of human being. While studying it, one thing you have to keep in your mind that this process begins in the fetal life of the females only. जब वो fetus रहेंगे, that is within the womb of mother. उस टाइम पे ही उनकी ओवरी में ओगोनिया दैट मीन्स वो सेल्स जो कि ओवम बनाएंगे वो बन चुके होंगे. वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटस, फीटस की बर्थ के बाद कोई भी फर्दर ओगोनिया ऐड नहीं होते हैं. बर्थ के टाइम पे यानी फीटस स्टेज पे ही जो बनने हैं वो बन गए, बर्थ के बाद और ऐड नहीं होंगे. ओगोनिया है, वी ऑल नो दैट. इसमें कौन सा स्टेप होगा? मियोसिस. मियोसिस की कौन सी स्टेज होगी इसमें? डिवीजन की मियोसिस फर्स्ट होगी. मियोसिस फर्स्ट जब होगी ओगोनिया में यानी फीटल लाइफ में ही हो रही है, उस टाइम पे वो किस स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन. मियोसिस का जो डिवीजन होता है उसके प्रोफेज फर्स्ट में ही ये अरेस्ट हो जाएगा और उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनको हम प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद अब इसने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे. अभी प्राइमरी ओसाइट में कुछ चेंजेस होंगे, यानी जब बर्थ हो चुका है, प्राइमरी ओसाइट है, उसके बाद से लेकर के कुछ चेंजेस होंगे प्राइमरी ओसाइट के स्ट्रक्चर में. वो हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, कि जो प्राइमरी ओसाइट था इसके बाहर एक सेल्स की लेयर आ जाएगी और उस सेल्स का नाम क्या है? ग्रैन्यूलोसा सेल्स. क्योंकि प्राइमरी ओसाइट एक सेल है, उसके बाहर क्या आ गया? सेल्स की लेयर आ गई, ग्रैन्यूलोसा सेल की लेयर आ गई है. इसको हम इसलिए अब क्या नाम दे देंगे? प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल दिस स्ट्रक्चर यानी पहली लेयर आ चुकी है. अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है वैसे ही क्या होगा, क्योंकि मैनी फॉलिकल डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. अब आपको ये याद रखना है, ओगोनिया था, प्राइमरी ओसाइट पर अरेस्ट हो गया फीटल लाइफ में ही. अब इसमें जब बर्थ हुआ उसके बाद उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल यानी ग्रैन्यूलोसा की लेयर आ चुकी है. जब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के स्टेज के बीच में ये बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल. बट बर्थ टू प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारे फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं यानी दे गेट डिस्ट्रॉयड. और केवल कितने बचते हैं बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में? 60,000 to 80,000 केवल इतने बचते हैं. आई हैव टोल्ड यू ना कि बहुत सारा ऐसा काउंट होता है, तो 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट इन साइड द ईच ओवरी. प्राइमरी फॉलिकल्स जब जो प्राइमरी फॉलिकल बने थे बहुत सारे की डेथ भी हो चुकी है, डिजेनरेट हो चुके हैं. अब इन प्राइमरी फॉलिकल में फर्दर चेंजेस क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्यूलोसा सेल्स. जो ग्रैन्यूलोसा सेल्स थे उनकी और लेयर्स आ जाएंगी और उसके ऊपर एक न्यू लेयर आएगी, उसको नाम क्या दिया गया? थीका. इसलिए अब स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल. यानी ग्रैन्यूलोसा सेल्स आ गई, एक नई लेयर आ गई न्यू थीका, और अब इसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल्स. प्राइमरी के ऊपर एक लेयर थी, सेकेंडरी के ऊपर बहुत सारी. कौन कौन सी लेयर? और ग्रैन्यूलोसा की लेयर्स और एक न्यूथीका. देन आफ्टर दैट क्योंकि अभी सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका था तो अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी इतना तो याद ही है. देन नेक्स्ट वन इज द टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मतलब जहाँ पे आपका ये प्रेजेंट था सेकेंडरी दैट फॉलिकल और उसके ऊपर थीका क्लियर आई थी, इसमें एक कैविटी बन जाएगी जिसमें फ्लूइड फिल्ड होगा. दैट कैविटी विल बी कॉल्ड एज अ एंट्रम. उस कैविटी को हम एंट्रम बोल देंगे. अपार्ट फ्रॉम इट जो आपने एक न्यू थीका बनी थी वही थीका जो है वो अब दो लेयर बना लेगी. एक बाहर की ओर थीका होगी उसको यानी लेयर होगी उसको आउटर थीका बोल देंगे और जो अंदर की ओर लेयर होगी उसको हम इनर थीका बोल देंगे. टर्शरी फॉलिकल बन चुका है जिसमें एंट्रम फ्लूइड आ चुका है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना आ चुका है. अब प्राइमरी ओसाइट ग्रोज इन साइज एंड कम्प्लीट्स मियोसिस फर्स्ट. अब देखो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी फॉलिकल यानी लेयर आ रही थी, फिर से हम किस में चले गए? प्राइमरी ओसाइट. ये प्राइमरी ओसाइट है उसके बारे में अभी यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्राइमरी ओसाइट इतने सारे लेयर्स के अंदर था अब ये साइज में बढ़ेगा और मियोसिस फर्स्ट कम्प्लीट होगी. यानी जो एक सेल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. अब उसमें से फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से क्या बन गया था? सेकेंडरी ओसाइट और एक छोटा सा सेल बनेगा, उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी. पोलर बॉडी इसका कोई फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, बट वी कैन जस्ट से कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट है उसको हटाने के काम आ रहा है. अब
जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके ऊपर बहुत सारे फॉलिकल्स की और लेयर आ जाएगी। अब जो फॉलिकल्स की लेयर आ चुकी है तो अब इसको हम क्या बोल देंगे, मैच्योर हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में फर्दर चेंजेस होंगे, व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू अकर, फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। उसके ऊपर जो लेयर आएंगी सेल्स की दैट विल बी कॉल्ड एज अ नाउ जोना पेल्यूसिडा, इसको हम बोल देंगे जोना पेल्यूसिडा विच इज़ गोइंग टू सराउंड द सेकेंडरी ओसाइट और रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर आएगी उसमें वैसे ही क्या हो जाएगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाएगा, और जैसे ही रप्चर करेगा उसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट निकल जाएगी ओवरी से। ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट किया, ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ओवुलेशन। इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द सेम प्रोसेस विद दिस डायग्राम। देखो सबसे पहले ओगोनिया है, यानी वो सेल्स जो कि फीमेल ओवरी के अंदर बने थे जब वो फीटस स्टेज पे थे, ठीक है, ओगोनिया। अब ये ओगोनिया जैसे ही मियोसिस फर्स्ट करेगा तो जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी ओसाइट, उसको हम बोल देंगे प्राइमरी ओसाइट। ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया। मियोसिस फर्स्ट में कौन सा स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट में स्टेज हो गया है, इस प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो गया है, यानी अब उसमें अभी डिवीजन नहीं हो रहा है। अभी प्राइमरी ओसाइट में जब फीटस, जब बर्थ हुई फीटस की, तो किस टाइम पे अरेस्टेड स्टेजेस के, प्राइमरी ओसाइट पे। अब एक चीज़ हमें याद रखना है कि कोई फर्दर ओगोनिया नहीं बनते हैं फीमेल की ओवरी में आफ्टर द बर्थ। हम प्राइमरी ओसाइट की बात करें तो ओगोनिया में कुछ ही ओगोनिया आप क्या कर किसमें कन सॉरी यस ओगोनिया में किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्राइमरी ओसाइट में। देन आफ्टर दैट जो प्राइमरी ओसाइट है, जो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो चुका है सिंस बर्थ टू प्यूबर्टी, इसके बीच में अब इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, जो प्राइमरी ओसाइट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट में ये कैसे कन्वर्ट होगा, बाय द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होती है, सिंस बर्थ टू प्यूबर्टी के स्टेज में। फिर सेकेंडरी ओसाइट में जब फर्दर मियोसिस सेकेंड होगी तो उस टाइम पे क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, एंड वी कैन जस्ट सी हियर फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट में जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई तो सेकेंड पोलर बॉडी और क्या रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया। और ये कब रिलीज होता है, इट अकर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, उस टाइम पे ये कंप्लीट होता है। ऑल ऑफ यू कैन ऑब्जर्व इट थ्रू दिस वीडियो इन विच ओसाइट इज देयर विच इज़ हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा and is again showing it to you. Yes, primary follicle, you can see the zona pellucida layer of the cell is there which is further transformed into secondary follicle which is characterized by the fluid filled vesicles jisko humne bola tha antrum, and layers has been classified into theca interna, theca externa. As the follicle gets mature, देखिए mature हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या observe हो रहा है, antrum जो fluid filled cavity बताया था, granulosa cell का mass है। अब ovulation होगा तो ये जैसे ही आपको graphene follicle rupture किया और जो आपका secondary oocyte है वो release हो गया cells of the corona radiata, ये जो इसकी granulosa के cells जो उससे secondary oocyte से stick है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा। और इसके जो रेमिनेंट बचेंगे ग्रैनुलोसा सॉरी आपके ग्राफिन फॉलिकल के, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे। जब वो डीजेनरेट होगा तो दैट एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉर्पस एल्बिकम्स।